तमाम ही नाज़रीन को हाफिज़ सकीन हैदर का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जनाब दुल्हन वाले लाए हैं हम सब के लिए नाश्ता, पूरी छोले का, हलवे का, पराठे का, और ये है कीमा। तो हम खा रहे हैं, अंडा भी साथ। तो जी नाज़रीन, फ़िलहाल अब हम निकले हैं क्लिनिक के लिए, क्योंकि थोड़ा सा काम था। तो राबिया, मैं, उल्फत हम लोग घर के लिए, सॉरी क्लिनिक के लिए निकले हैं, घर को छोड़ के अकेला। अब देखते हैं जब घर जाएंगे तो चीज़ें फैली हुई तो नहीं होंगी, उम्मीद करते हैं, क्योंकि सब सिमटा कर आए हैं हम लोग। और राबिया ड्राइव कर रही है फ़िलहाल, और ये जो पीछे मुँह आ रहा है ना, ये है शहरी, मतलब कोई और शहरी। हमारे पास दो शहरी अवेलेबल है, एक भाई शहरी है, एक दूसरा वाला शहरी, भांजा शहरी, एक भांजा शहरी और एक भाई शहरी। भाई शहरी भांजा भाई हो गया ये तो भाई। तो फिलहाल अब हम क्लिनिक जाते हैं, वहाँ जाके आपसे मुलाकात करवाते हैं सबसे। तो हमें जाना था क्लिनिक, लेकिन हम यहाँ सैलून आ गए हैं हेड वॉश करवाने के लिए, क्योंकि शादियों की वजह से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ी सी प्रोटीन ट्रीटमेंट ली जाए। तो अब देखिए मैं कितना सुकून महसूस कर रही हूँ। उफ़ अल्लाह, ओह माय गॉड, इट्स यमी, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ। और मेरा हेड वॉश हो चुका है, अब ये मेरे हेयर्स की ब्लो ड्राई हो रही है, आप देख सकते हैं मैं कितना इन्जॉय कर रही हूँ। और ये मेरे हेयर्स की कुछ कटिंग होने जा रही है, थोड़ी सी हमने सोचा कटिंग करवा लें, क्योंकि हेयर्स थोड़े से ख़राब हो रहे हैं मेरे, डैमेज हो रहे हैं कलर्स की वजह से। तो ये थोड़े थोड़े हेयर्स निकाल के कटिंग कर रही हैं, अब देखते हैं क्या कटिंग होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा कटिंग करवाती नहीं हूँ। तो बस ये छोटू से मेरे बाल हेयर कट हो गए हैं, और ये मैंने पीछे अपने बालों वाला क्लिप लगा लिया। तो जी जनाब, राबिया ने कटिंग करवाई है और मैंने ब्लो ड्राई करवाया, थोड़ा सा आगे से स्ट्रेट करवाए बाल, और अब हम जा रहे हैं क्लिनिक। जी जनाब, मैं आई हूँ दोबारा से क्लिनिक, हेड वॉश करवाने गए थे हम लोग और प्रोटीन ट्रीटमेंट लिए, थोड़ी सी कटिंग वगैरह करवाई है। तो आप देख सकते हैं मेरे जो फेस का जो हाल है वो बहुत ख़राब हो रहा है, फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत स्क्रैप वगैरह, स्पॉट बहुत ओपन है। तो इसलिए ज़बरदस्ती आज मुझे हाइड्रा दिया जा रहा है। वैसे तो सब मज़े मज़े से हाइड्रा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करवाती हूँ, मुझे बहुत कोफ्त आती है, क्योंकि बहुत लेंथी होता है, काफ़ी स्टेप्स होते हैं, तो इस वजह से। वैसे हमारा हाइड्रा पे यहाँ 50% ऑफ चल रहा है न्यू एज क्लिनिक पे, तो आप लोग आएँ, हाइड्राफेशियल लाजमी लें, यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। तो जो भी मेरे रेफरेंस यहाँ आएंगे उन्हें 50% ऑफ मिलेगा, तो आप लोग लाजमी रब्ता कीजिए। तो हम आए तो हाइड्रा के लिए थे, लेकिन मेरा जो मूड है वो तब्दील हो गया, मैं सिर्फ क्लिनजिंग करवाऊँगी, ताकि मेरा पूरा मेकअप जो है फेस पे, नेक पे लगा हुआ है वो कंप्लीट हट जाए। और ये उल्फत बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे मसाज कर रही है, हेड का मसाज, और ये मेरी थोड़ी सी मूछें आ रही थी, तो मैंने कहा कि आप मेरी मूछें हटा दें। तो बस हमने फेशियल में देखे मूछें भी हटवाएंगी, ये हमने नए तरीके का कोई हाइड्रा करवाया। और ये उफ़ अल्लाह, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है इससे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। और ये बस मेरा हो गया, क्लिनजिंग करवा के मैंने पीटीटी लाइट लगवाई है, ये देखें ऐसा भी होता है। ये सिर्फ वीडियो के लिए लगवाई है हमने, ताकि वीडियो में आप देखें कि ये रंग बिरंगी लाइटें बहुत अच्छी होती हैं, इससे स्मोक आता है और फेस पर क्या होता है तो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने हाइड्राफेशियल लिया नहीं है, मैंने सिर्फ क्लिनजिंग करवाई है और मास्क लगवा के मैंने ये पीटीटी लाइट लगवा ली है। तो खैर, आप सब आइएगा तो फिर आप सब कंप्लीट करवाइएगा, फ़िलहाल ये सिर्फ वीडियो के लिए लाइटिंग जल रही है और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्लिनिक से जा रहे हैं काशीज कुछ ड्रेसेस लेने के लिए वलीमे का। तो हम यहाँ काशीज आए हैं, कुछ ड्रेस सिलेक्ट करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस लग रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहे, पता नहीं हमारे दिमाग को आज क्या हो गया है, क्यों नहीं ड्रेस समझ आ रहा है। अब देखते हैं क्या समझ आता है क्या नहीं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, कल हमने काशीज से ड्रेस ले लिया था, ये हमने ड्रेस पहना हुआ है काशीज का, ब्यूटीफुल सा बहुत ही यूनिक ड्रेस लिया है मैंने। अब आप मुझे देखेंगे कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, ब्यूटीफुल सा। मैंने इस क्लिप में छोटा सा ऐड किया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हमने काशीज से ये वाला ड्रेस लिया है, जो कि है पर्पल और पिंकी कॉम्बिनेशन, मैंने खुद किया है, अदरवाइज ये कंप्लीट ड्रेस पूरा पिंक ही था। मैंने इसकी पर्पल शर्ट ली है
और पिंक दुपट्टा लिया है और पिंक ही घाघरा लिया है जो कि बेहद हसीन लग रहा है। और बिल्कुल न्यू ड्रेस है ये, बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है। और जो राबी ने मुझे मेकअप किया है, शाना सिद्दीकी ने, वो तो बहुत ज़्यादा इस पे उधम लग रहा है माशाल्लाह से। तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक है ये, मेरी ज्वेलरी देख सकते हैं, मेरा मेकअप देख सकते हैं, मेरे नील्स भी देख सकते हैं आप। मेरी ज्वेलरी जो झूमर लगाया है वो भी राबी ने ख़ुद लगाया है, शाना सिद्दीकी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने लगाया और बहुत ही खूबसूरत तैयार किया है। हेयर भी बहुत अच्छे रेडी किए हैं हमारे, जिससे हम बहुत खूबसूरत। और मैं दिखाती लग चलूँ आपको अपना लहंगा, मैंने सारी बातें तो बता दी हैं, मैंने कैमरा नीचे नहीं करवाया ताकि आप लोग मेरा फाइनल लुक मेरे नेक्स्ट जो वली में का व्लॉग होगा उसमें देखें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि ये मेरा पिंक लहंगा कितना खूबसूरत है। आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि ये बहुत पॉपुलर लहंगा है, अभी न्यू रिलीज़ हुआ है ये, तो अभी न्यू न्यू है ये बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।